हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेफ आकाश। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन सैलेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोटीन सैलेड के लिए हमने लिया है एक टमाटर बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च, एक प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा पनीर जो मैंने क्यूब्स में काटा है, ये लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है मैंने, काला नमक, चाट मसाला, और ये मैंने लगभग एक कप काबुली चने जो मैंने उबाल रखे हैं, एक कप राजमा, एक कप मूंग की दाल और एक कप काले चने, जो ये चारों चीज मैंने उबाल रखी है। तो प्रोटीन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले अपने बाउल में ये छोले डालेंगे, उसके बाद मैं ये काले चने डालूंगा, फिर मैं ये राजमा और ये थोड़ी सी मूंग दाल, ये चारों मैंने लगभग एक एक कप डाला है अपने बाउल में। उसके बाद मैं ये एक टमाटर जो मैंने बारीक काट रखा है, एक प्याज तो ये भी मैंने बारीक काट रखी है, फिर हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, ये हरी मिर्च, थोड़ा सा पनीर, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही और भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। आप इसमें थोड़ा सा खट्टापन के लिए ये एक नींबू डाल सकते हैं, तो इससे हमारी सलाद का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और ये सैलेड यानी कि ये सलाद जो लोग जिम करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन हैं। तो ये हमारी सलाद बनके रेडी हो गई है।